फ्रेंड्स, रिधिमा ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पुराने ब्लाउज, जो मेरा पहले का ब्लाउज था मेरी मम्मी को, देखिए जो फिटिंग का नहीं आ रहा है, मैं इसको डिजाइनर ब्लाउज बनाने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें ब्लाउज का बाजू इतना बड़ा बड़ा था, मैं इसको स्टाइलिश बनाऊंगी। देखिए इसमें चुनट भी था फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसको बहुत ही डिजाइनर ब्लाउज बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं पहले से इस ब्लाउज में पाइपिंग लगाया हुआ है, पहले का गला छोटा होता ही था। देखिए मैं अभी इस पर पाइपिंग इसको निकालूंगी नहीं, इसी पर मैं डिजाइन बना रही हूँ। देखिए मैं 1 इंच इधर से छोड़ दूंगी। एक इंच इधर से छोड़ दूंगी, यहाँ से मैं 6 इंच लूंगी। देखिए फिर यहाँ 3 इंच पर मैं दोनों का बीचों बीच में यहाँ भी एक, देखिए मैं अब यहाँ पर डिजाइन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, अब इसको मैं कटिंग कर दूंगी। देखिए मैं इस गले को, देखिए अब इस पर बैक डिजाइन में बना रही हूँ। देखिए जो मैं चूना टोला बाजू में निकाली थी, उसी पर मैं इस कपड़े के रख के डिजाइन बनाऊंगी, ताकि मेरा कोई कपड़ा दूसरा ना लगे, मेरा ब्लाउज लगे नहीं। देखिए मैं इस कपड़ा पर स्टिच कर ली हूँ, अब इसको मैं कटिंग करूंगी। पहले बीच से मैं कट कट कर लूंगी। देखिए बीच में कट में लगा दूंगी। देखिए मैं अब इस पर स्टिच कर लूंगी। देखिए इस बाजू का, मैं जो बाजू निकाली तो ऐसा हो गया, इस पर मैं उसी बाजू वाला कपड़ा काट कर उरेबी पट्टी इस पर मैं स्टिच कर दूंगी, इस पर मैं पाइपिंग निकालूंगी। देखिए मैं इस पर कट लगाऊंगी, इस गला को मैं तुरपाई कर रही हूँ। ऐसे ही पूरा मैं तुरपाई कर लूंगी। देखिए मैं एक कपड़ा ली हूँ डिजाइन बनाने के, इधर से 2 इंच का, इधर से 1.5 इंच। मैं इसको देखिए ऐसे करके डिजाइन देखिए यहाँ मैं सुई धागा की मदद से इसको मैं यहाँ देखिए मैं चिपका ली हूँ।
एक और मैं कपड़ा 2 इंच के लूँगी। अब इसको मैं ऐसे ऐसे तीन चपोता करके इसको गोलाई में कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा गोल। इसको इसको मैं चुनट करूँगा। देखिए मैं इसको यहाँ चिपकाऊंगी। देखिए इसी पर मैं एक मोती भी ले लूँगी, यहाँ पर मैं लगाऊंगी। देखिए इस सुई से इसको मैं पहले से ऐसा चिपकाएंगे ताकि इसका जो कपड़ा मेरा है वो निकले ना बाहर। देखिए मैं इसको चिपका ली हूँ, इसमें मैं मोती लगाऊंगा। देखिए मैं पुराना ब्लाउज कितना स्टाइलिश बना दी हूँ। यदि मेरा यह वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।